हेलो दोस्तों, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। अपडेट क्या है इस बारे में भी हम लोग समझेंगे और इसका लास्ट डेट भी बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ाया गया है ये सारी बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। और भी बहुत सारी अपडेट निकल के आई है, तो एक एक करके सारे अपडेट के बारे में भी समझेंगे। और कुछ लोगों को इस साइट पे अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे जैसे कि उनको अपना स्टेटस देखने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका लास्ट डेट बढ़ेगा क्योंकि इसका साइट बढ़िया से काम नहीं कर रहा है। मैंने अगर आप लोग पहले मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इसके बारे में मैं बताया था, और आप लोग बहुत सारे लोग ईमेल भी कर दिए और ट्वीट भी कर दिए, जिसकी वजह से इसका लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को एक मिल रहा होगा इम्पोर्टेंट नोटिस। तो यहाँ पे इस नोटिस को यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश में, मैं आप लोग के लिए इसको हिंदी में कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। तो यहाँ पे मैं इसको हिंदी में कर दिया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इग्नू के छात्र अब पंजीकरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके संबंधित विश्वविद्यालय ने पूरा परिणाम अपलोड नहीं किया है। तो इग्नू के लिए ये नोटिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है, जिन छात्रों को यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुआ है, अनुरोध है कि वे सभी रिकॉर्ड सत्यापन करें, पंजीकरण को अंतिम रूप दें। मैंने कल वीडियो बना के बताया था कि आप फाइनल सबमिट कैसे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में ये बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि कृपया लॉगिन करें और अंतिम रूप में दें, ये हो गया। उसके बाद यहाँ बता रहा है कि जिन छात्रों ने पहले ही पोर्टल में आवेदन किया है, आवेदन कर दिया है और लंबित या अस्वीकार यानी पेंडिंग या रिजेक्ट है उनका, तो उनको क्या करना है, कर दिया है उन्होंने, अंतिम तिथि के बावजूद भी आवेदन पूरा करने का अनुमति दिया जाएगा। इसका लास्ट डेट खत्म हो जाएगा तब भी आपको इसको सही करने का अनुमति दिया जाएगा। मैं ये भी बात अपने पिछले वीडियो में बताते आ रहा हूँ, अगर आप लोग पिछला वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम चरण के परिणाम के लिए पोर्टल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। मतलब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 15 मार्च 2023 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और पेंडिंग है और रिजेक्ट पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उनको लास्ट डेट खत्म भी हो जाएगा तब भी उनको मौका दिया जाएगा। तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट नोटिस का बात। अब समझ लेते हैं कि जिनको अपना स्टेटस देखने में प्रॉब्लम आ रहा है वो अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टेटस देखने के लिए सिंपल वही प्रोसेस है, आपको अप्लाई ऑनलाइन पे आना है। अप्लाई ऑनलाइन पे आने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट पे जैसे ही आइएगा, यहाँ पे आपको क्लिक चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पहले याद होगा तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन थे, आप मोबाइल नंबर से भी देख सकते थे, बैंक अकाउंट से, आधार कार्ड से, लेकिन अब वो सारा ऑप्शन चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे केवल यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के गेट स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसका साइट पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब इससे आपको ये फायदा होगा कि बहुत सारे लोग जब अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिए थे, रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, तो उनको जब अपना एक्नोलॉजमेंट डाउनलोड कर रहे थे तो वो पूरा डिटेल्स उसमें नहीं लिख रहा था, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या फिल किए हैं, गलती डिटेल्स डाल दिए हैं कि उनका पेंडिंग में है कि क्यों है। तो अब आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे शो होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका नेम शो होगा, फादर्स नेम शो होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स आप क्या डाले हैं, आईएफएससी कोड क्या डाले हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैपिटल में स्मॉल में डाल दिया हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आप किस लेटर में अपना डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं हो सकता है कि अपना सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया हूँ इसलिए पेंडिंग में है, तो यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट नंबर भी मिला सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कि आपका स्टेटस पेंडिंग में शो हो रहा है, तो यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स आप लोग मिला सकते हैं। तो बस यही था कुछ अपडेट, अगर और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और जैसे ही ये फॉर्म रिजेक्ट होना शुरू होता है तो रीअप्लाई कैसे करना है मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोग उस पर देख के कमेंट कर रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो भाई साहब आप लोग एक बार देख लीजिए अपना स्टेटस, सबका अभी पेंडिंग में डाल दिया। जैसे ही रिजेक्ट होने शुरू होगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो आप लोग देख के ही रजिस्ट्रेशन कीजिएगा क्योंकि फिर से बहुत सारे साइट को इसमें चेंज कर दिया गया है, बहुत सारे ऑप्शन को ऐड किया गया है, तो एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है फिर कीजिएगा, क्योंकि इसमें
रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर ये सब डालने में बहुत सारे चेंजेज कर दिया गया है, इसलिए आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा फिर ही रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।